हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, पीएम डिस्कसेस सिक्योरिटी सिचुएशन इन वेस्ट एशिया विद इजिप्ट प्रेसिडेंट। तो वेस्ट एशिया में मतलब इजराइल गाज़ा की जो हमास की बात हो रही है, लड़ाई हो रही है, वो सिक्योरिटी इशू किसने डिस्कस किया? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। किसके साथ? इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ। तो सबसे पहले एक बार लोकेशन देख लेते हैं हम लोग कहाँ पर है, क्या है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अपना गुजरात कोस्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये इंडिया हो गया। ठीक है, ये अपना इंडिया हो गया, इंडिया हो गया, अरेबियन सी हो गया। ठीक है, इंडिया से अरेबियन सी आए, ये गल्फ ऑफ एडन हो गया। ठीक है, आप यहाँ से गल्फ ऑफ एडन आ गए, गल्फ ऑफ एडन से आप यहाँ से देखिए रेड सी में एंटर हो गए आप, ये आपका रेड सी हो गया, आप यहाँ पे रेड सी में एंटर हो गए, अब रेड सी से आप देखिए इजिप्ट में आ गए। तो सबसे पहले आप देखिए, ये इजिप्ट हो गया आपका, और ये हो गया आपका सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, ये हो गया आपका इसराइल, यहीं पे लड़ाई चल रही है, ये आपका वॉर जोन हो गया एक तरीके से, आपको यहाँ पे लिख दूँ वॉर जोन, किसके बीच में? इसराइल एंड गाज़ा, ये आपका वॉर जोन हो गया है यहाँ पे। अब ये किसका है? ये भी इजिप्ट का है, ये हो गया आपका इजिप्ट। तो इंडिया के पीएम ने बात की इनके प्रेसिडेंट से, इनका लोकेशन आप देखिए, इनके वेस्ट में लीबिया है, लीबिया का कैपिटल ट्राइपोली, इनके साउथ में आप देखिए सूडान है, सूडान का कैपिटल खार्तूम। ठीक है, इरिट्रिया, जिबोती, ये सब तो साइड में, यहाँ पे ऊपर में आप देखिए इनके पास मेडिटेरेनियन सी है, एक इनका सबसे इम्पोर्टेंट अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, कायरो इनका कैपिटल हो गया, ये स्वेज कैनाल हो गया और रेड सी हो गया। तो इजिप्ट के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, इजिप्ट के ईस्ट में रेड सी है। ठीक है, कायरो कैपिटल हो गया, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट इनका इम्पोर्टेंट पोर्ट है, और यहाँ पे आपका स्वेज कैनाल हो गया, तो ये आपका मेन रूट भी होता है। तो इंडिया इनसे बात कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया इनके नेबरिंग कंट्रीज कौन से। अब ऊपर में, अब ऑब्वियसली यहाँ पे इसराइल है। ठीक है, स्विस कैनाल के इधर में इसराइल है, ये रहा आपका जॉर्डन, और ये रहा आपका सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये हो गया हमारा लोकेशन अगर हम लोग स्विस कैनाल के रिस्पेक्ट में देखें। तो चलिए अब देखते हैं इसमें बात क्या हुई है, प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात किया आपस में। जस्ट अ सेकंड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक टू इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दल फतह एल सीसी ड्यूरिंग द वीकेंड टू डिस्कस द सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन द वेस्ट एशिया एमिड द इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। तो इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ये बात किए हैं। द डिस्कशन इंडिकेटेड फास्ट मूविंग इंटीग्रेशनल एक्सचेंजेस अमंग द की स्टेक होल्डर एज प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू असर्टेड दैट इजराइल वुड फाइट अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वॉर अगेंस्ट हमास इन इन गाजा। तो बेंजामिन नेतन्याहू आपके प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? इसराइल के। उन्होंने बोला है, भाई हम तो लंबी युद्ध करेंगे। येस्टरडे स्पोक विद प्रेसिडेंट एट द रेट एल सी सी ऑफिशियल अब्दुल फतह एल सी सी एक्सचेंजेस व्यू ऑन दी डिटेरिएटिंग सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन वेस्ट एशिया। वी शेयर कंसर्न रिगार्डिंग टेररिज्म, वायलेंस एंड लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स। वी एग्री ऑन द नीड फॉर अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी एंड फैसिलिटेटिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। मिस्टर मोदी, ये उन्होंने बोला है कि भाई हमें बुरा लग रहा है जो सिविलियन की जान जा रही है, हम टेररिज्म के खिलाफ तो हैं ही, और हम वहाँ पे चाह रहे हैं कि अर्ली रेस्टोरेशन पीस और स्टेबिलिटी हो जाए, मतलब जल्दी से पीस वापस से आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, और वहाँ पे हम लोग असिस्टेंस भी दे रहे हैं। तो ये इन्होंने बात की है। इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन अ सेपरेट स्टेटमेंट इशूड ऑन संडे द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सेड द टू लीडर डिस्कस्ड द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द रीजन एंड द वर्ल्ड। द डिस्कशन ऑल्सो इंडिकेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिया अटैचेस टू द रोल ऑफ इजिप्ट इन इंश्योरिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू गाज़ा। तो मतलब इंडिया इजिप्ट को भाव, मतलब भाव क्या, मतलब इंश्योर कर रहा है कि इजिप्ट भी वहाँ पे पास में ही है, नीचे में स्वेज कैनाल, ऊपर में आपका लड़ाई चल रहा है, बोल रहा है असिस्टेंस तुम भी प्रोवाइड करो गाज़ा स्ट्रिप वेयर मोस्ट ऑफ द इजरायली मिलिट्री एक्शन इज फोकसिंग राइट नाउ। ऑन अक्टूबर 22 इंडिया सेंट ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मेंट फॉर गाज़ा टू इजिप्ट अल अरिश एयरबेस। तो इजिप्ट के थ्रू इन्होंने गाज़ा को ह्यूमैनिटेरियन हेल्प दिया था। हाउ एवर पैलेस्टीनियन एम्बेसडर टू इंडिया अदनान अबू अल हैजा हैज टोल्ड द हिंदू दैट मच ऑफ द रिलीफ मटेरियल दैट व वेरियस कंट्रीज हैव बीन सेंडिंग फॉर गाजा रिमेन स्टक इनसाइड इजिप्ट बिकॉज ऑफ इंटेंस मिलिट्री एक्टिविटी बाय इजराइल एज वेल एज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फ्यूल फॉर द ट्रक इनसाइड गाजा।
तो इन्होंने बताया कि बहुत सारे असिस्टेंट्स तो इजिप्ट में फंसे ही हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे तो लड़ाई चल रही है, इसराइल के मिलिट्री है, और दूसरा फ्यूल्स नहीं है। इंडिया अब्सटेन एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन फ्राइडे ड्यूरिंग अ रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर सीज फायर इन द फाइटिंग। द एक्शन ड्रू क्रिटिसिज्म ऑन सेवरल फ्रंट्स, इंक्लूडिंग फ्रॉम द अपोजिशन कांग्रेस, विच सेड दैट एब्सटेनिंग ऑन सच ए इशू मूव वॉज इनकंसिस्टेंट विद इंडियाज कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो इंडिया ने एब्सटेन किया था रेजोल्यूशन के ऊपर यूनाइटेड नेशन में, और बोला कि सीज फायर हो जल्दी से, कि सीज फायर होना चाहिए उसके ऊपर। और उसको कांग्रेस ने, मतलब ये तो खैर पॉलिटिकल बात होगी, पर कांग्रेस ने अपोज किया कि भाई ये इंडिया तो नॉन वायलेंस प्रीच करता है, तो ये तो उसके लिए एब्सटेन नहीं करना चाहिए था। बस यही बात है, और बाकी लोकेशन मैंने आपको बता दिया, अब आप देख लेते हैं एक बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार समराइज कर देता हूँ आपको, लोकेशन हो गया आपके पहले, ठीक है, और इशू क्या है, बस मोटा मोटा आपको इशू पता होना चाहिए। और इंडिया का ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी स्टांस क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, इजिप्ट, जो जो कंट्रीज पार्टीज इसमें अभी बात हुई है इस आर्टिकल में, इज़राइल, गाज़ा और पेलिस्टीन, ये जो लव ट्रायंगल बन रहा है उसमें इंडिया का क्या रोल है, बस इतना इम्पोर्टेंट होता है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।